एकजुट होकर नशा मुक्त भारत के अभियान के तहत नशा मुक्त भारत के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना हम केवल नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान कैंपेन चलाई गई है। बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जहां पे प्लेज लिया जा रहा है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त भारत के अभियान के तहत नशा मुक्त बनाने के लिए और आरटीओ जम्मू यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। हम ताड़ियों से इनका स्वागत करेंगे। आरटीओ जम्मू वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट मैनेजर एसोसिएशन सरदार बलवीर सिंह, जो आरटीओ जम्मू घनश्याम सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, प्लीज। देखिए, अवेयरनेस कैंप रेगुलरली हमारे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के चल रहे हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सितंबर का जो पूरा महीना है, 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर तक जो है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के जो आदेश सरकार ने जो जारी किए हैं, तो उनके आदेश का पालन करते हुए रेगुलरली हमारे जो प्रोग्राम जो हैं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आज जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा चौथी लोकेशन है, इससे पहले वेयर हाउस में रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद बख्शीनगर में जो बस स्टैंड हैं मिनी बसेस के या टैक्सी स्टैंड के, वहाँ हमने कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करवाया था। आज जो है चौथी लोकेशन है ये। आज भी हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के, जो भी कंडक्टर्स और ड्राइवर्स जो हैं उनकी चेकअप के लिए, क्योंकि जो भी रोड सेफ्टी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं, जो जम्मू कश्मीर की रोड सेफ्टी काउंसिल है उसमें जो आदेश जारी होते हैं, और साथ में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के जो मीटिंग्स होती है उसमें भी आदेश जारी होते रहते हैं कि अवेयरनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हेल्थ चेकअप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी कड़ी के चलते उन्हीं आदेश का पालन करते हुए और जो नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर का जो ये प्रोग्राम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने आदेश जारी किए हैं, उसके चलते जो है आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ में चलती हैं। एक तरफ से तो हम जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एसोसिएशंस के लोग हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनका हेल्थ चेकअप भी हो रहा है और साथ में उनको अवेयर भी करवा रहे हैं जो इल इफ़ेक्ट्स हैं इसके नशा के, और ख़ासकर जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है उसके तहत जो भी पनिशमेंट है, जो भी कानून है, जो सख्त कानून बनाए गए हैं उनके बारे में भी अवेयर करवा रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा जो है, क्योंकि रोज़ जो है हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, और आज ये हमारा प्रोग्राम, और उम्मीद करेंगे कि लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी जम्मू कश्मीर वासियों से और जम्मू वासियों से कि जो नशा मुक्त अभियान जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों को अवेयर करवाएं। एक स्वस्थ इंसान ही जो है वो तरक्की कर सकता है और तरक्की की कामयाबी की सीढ़ी से चढ़ सकता है। देखिए, रिस्पांस जो है बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। हम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि बिकॉज जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो रिस्पांस, क्योंकि एक किस्म का मूवमेंट जब तक नहीं चलेगा, जैसे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर, उसके तहत जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तीन जो हैं, इनसे जो प्रोग्रेस है हमारे कंट्री की और जम्मू कश्मीर की, इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है, और इसको अगर दूर करें तो उसके बाद हम बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लमें हैं और ये प्रॉब्लमें अगर हमारी ख़त्म हो जाती हैं तो हम तरक्की की राह पर बड़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम जी, और अपील की है कि आने वाले टाइम में ऐसे जो कंपेन है वो और भी लगेंगे, लेकिन अभी जो है बस स्टैंड में आपने देखा कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल द्वारा जो है नशा मुक्ति जो है
अभियान यहाँ पे कैंपेन चलाया गया। आपको क्या लगता है जनाब, खबर के नीचे कमेंट जरूर करेगा। फिलहाल देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।